इस कहानी में हम माइकल को देखेंगे जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, लेकिन उसे 36 साल की औरत से प्यार हो जाता है, जिसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है और वो बस उसी की यादों में खोया रहता है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम माइकल को देखते हैं जो अपने सामने से ट्रेन को जाता हुआ देखता है और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर 15 साल का माइकल ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है। वो अपने स्कूल से घर जा रहा था, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी उसके पास हैना नाम की औरत आती है और उसकी हेल्प करती है। माइकल रोने लगता है। हैना उसे हक करके समझाती है, परेशान मत हो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। इसके बाद हैना उसे उसके घर पर छोड़ देती है। माइकल जब अपनी फैमिली के साथ होता है तब फैमिली को पता चलता है माइकल की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद डॉक्टर उसे चेक करने के लिए आता है। डॉक्टर उन्हें बताता है माइकल को स्कारलेट फीवर है, जिसकी वजह से उसे 3 महीने तक अपने रूम में ही रहना पड़ेगा। अगर वो रूम से बाहर निकला तो ये बीमारी उसकी फैमिली में भी फैल जाएगी। माइकल भी ऐसा ही करता है और वो 3 महीने के लिए कमरे में ही पड़ा रहता है। इसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो वो सबसे पहले एक बुके खरीदता है और हैना के घर पर जाता है उसे थैंक्स बोलने के लिए। वो हैना से कहता है मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के लिए रूम में ही रहने के लिए कहा था, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया। तब हैना कहती है कोई बात नहीं। माइकल कहता है अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। हैना कहती है मैं एक कंडक्टर हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। माइकल रेडी हो जाता है। इसके बाद हैना अपने कपड़े चेंज करने लगती है और माइकल उसे छुपकर देखने लगता है। तभी हैना उसे देख लेती है। इसके बाद माइकल घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो काफी दिन तक हैना के घर के आसपास चक्कर लगाने लगता है। फिर वो एक दिन हैना को कोयला लाते हुए देखता है। फिर वो हैना से कहता है क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तब हैना कहती है नीचे और भी कोयला है, तुम लेकर आ सकते हो। माइकल कोयला लेकर आता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हैना उसकी हालत देखकर हंसने लगती है और उससे कहती है तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं, तुम अपने कपड़े उतारो, मैं इन्हें साफ कर देती हूँ, जब तक तुम जाकर नहा भी लो। जब माइकल नहा रहा होता है तब हैना उसके लिए टॉवल लेकर आती है और वो भी बाथरूम के अंदर आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है हैना ने भी अपने कपड़े उतार दिए हैं। फिर हैना माइकल की पीठ पर किस करने लगती है और माइकल से कहती है तुम भी यही चाहते थे। माइकल ये सुनकर कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर ये दोनों घपाघप करने लगते हैं। अब इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो चुका था। माइकल हर रोज़ स्कूल के बाद हैना के पास आ जाता था और ये दोनों जमकर खुदाई करते थे। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन माइकल हैना को एक कहानी सुनाता है, जिसके बाद ये एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। तभी माइकल हैना से पूछता है क्या हम लोग कल डिनर के लिए जा सकते हैं। हैना उसके लिए हाँ कहती है। जब ये लोग डिनर करने के लिए जाते हैं तब सभी लोग इन दोनों को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। हैना ये सब देख कर ऑकवर्ड फील करने लगती है। फिर ये लोग सभी लोगों से दूर एक झील के पास आ जाते हैं, जहाँ पर हैना अपने कपड़े निकाल कर नहाने लगती है। वो माइकल से भी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन माइकल कहता है अभी मैं तुम्हारे लिए एक पोयम लिख रहा हूँ और मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा। इसके बाद हम माइकल को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की माइकल को पसंद भी करती थी, लेकिन माइकल हर बार उसे इग्नोर कर देता था क्योंकि वो हैना से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं हैना का प्रमोशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ये सिटी छोड़कर दूसरी सिटी जाना होगा। इसके बाद माइकल का बर्थडे आता है और माइकल अपने दोस्तों को छोड़कर हैना के पास आ जाता है, जिसकी वजह से हैना काफी ज्यादा गुस्सा करती है कि मेरी वजह से तुम अपने दोस्तों को मत छोड़ो। लेकिन माइकल उसे मनाने लगता है और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हैना माइकल को बिना बताए वहाँ से दूसरी सिटी चली जाती है, क्योंकि उसका प्रमोशन हो चुका था। जब माइकल उसके घर पर आता है तब हैना उसे नहीं मिलती और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो सभी लोगों से बात करना बंद कर देता है और अपना टाइम अकेले बिताने लगता है। देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। वो 23 साल का हो चुका था और वो LLB की पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद उन सभी स्टूडेंट को एक दिन केस ट्रायल देखने के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर कुछ औरतों के ऊपर आरोप था कि उन्होंने 300 यहूदियों को चर्च के अंदर जलने के लिए छोड़ दिया। अगर वो चाहती तो उन्हें बचा भी सकती थीं, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन औरतों में एक औरत हैना भी थी, जो खुद भी एक आरोपी थी। उसे देखते ही माइकल शॉक हो जाता है। वहाँ हम एक बच्ची और यहूदी औरत को भी देखते हैं। वो उन 300 लोगों में से बच गई थी। उसने एक बुक लिखी थी जिसमें उसने हैना के बारे में भी बताया था। अब हैना के बोलने की बारी थी। वो कहती है मुझे पता था वो लोग मरने वाले हैं, अगर मैं चाहती तो उन्हें बचा सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा करने से रोक लिया गया। मैं चर्च का गेट खोल सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करने दिया गया। तब जज कहता है तुमने डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए हैं जहां पर ये सब कुछ मेंशन है। तब हैना कहती है मैंने किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किए। तब अदालत कहती है ठीक है, हम तुम्हारी हैंडराइटिंग को मैच करेंगे, तुम एक पेपर पर कुछ लिख कर बताओ। ये बात सुनकर हैना कहती है हाँ वो साइन मैंने ही किए थे। ये सुनकर माइकल को सारी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि एक्चुअल में हैना एक अनपढ़ औरत है और उसे पढ़ना
लिखना नहीं आता। जब हैना का प्रमोशन हुआ था तब वो वहाँ से भाग गई थी और चर्च में एक गार्ड की जॉब करने लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती उसके बारे में किसी को पता चले कि वो अनपढ़ है। अब उन 300 लोगों की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानती है और अदालत उम्र कैद की सजा भी सुना देती है, जबकि दूसरी आरोपियों को कुछ साल की ही सजा होती है। ये सब देख कर माइकल टूट जाता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है वो हैना से मिलने के लिए जाएगा। माइकल हैना से मिलने के लिए जेल जाता है, लेकिन उससे मिलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती और वो वापस लौट जाता है। इसके बाद कुछ साल और बीत जाते हैं और अब माइकल काफ़ी बड़ा हो चुका है। उसकी शादी भी हो गई थी और उसकी एक बच्ची भी है, लेकिन वो अभी भी हैना को भूल नहीं पाया है। वो अभी भी हैना के बारे में सोचता रहता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स भी हो जाता है। इसके बाद वो अपनी बच्ची को लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है। उसकी माँ मुझसे कहती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, तुम पूरी तरह से बदल गए हो और हमेशा गहरी सोच में डूबे रहते हो, तुम अपने फादर के फ्यूनरल पर भी नहीं आए। तब माइकल कहता है, ये जगह मुझे कुछ चीज़ों की याद दिलाती है जिनसे मैं हमेशा दूर भागता रहा हूँ। मैं एक औरत से प्यार करता था जिसकी उम्र मुझसे काफ़ी ज़्यादा थी। इस बात को सुनकर उसकी मॉम चौंक जाती है। फिर माइकल अपने रूम में आता है, यहाँ पर उन बुक्स को देखता है जो वो हैना के लिए पढ़ता था। उसने एक किताब को आधा ही पढ़ा था। इसके बाद वो उन बुक्स की रिकॉर्डिंग करके हैना के पास भेज देता है, जिसे सुनकर हैना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद वो धीरे धीरे पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। फिर वो माइकल के लिए एक लेटर लिखती है और उसका जवाब आने के लिए वेट करती है। देखते ही देखते काफ़ी साल गुजर जाते हैं, लेकिन माइकल ने उसके लेटर का रिप्लाई कभी नहीं किया। हैना अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। जेल के अंदर उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से उसे रिहा कर दिया जाता है। हैना की कोई फैमिली नहीं थी और माइकल लेटर के जरिए उससे बात करता था। इसके बाद हम देखते हैं जेल की वार्डन माइकल को कॉल करती है और उसे बताती है, हम हैना को छोड़ रहे हैं, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आप दोनों लेटर के जरिए बात करते थे, क्या आप उसके लिए कोई रहने का इंतज़ाम कर सकते हैं? माइकल थैंक्स बोलकर फ़ोन कट कर देता है और अब माइकल थोड़ी परेशानी में आ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। काफ़ी सोचने के बाद वो डिसाइड करता है वो हैना को जेल से लेकर आएगा। हैना माइकल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद माइकल उसे कहता है, मैंने तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर दिया है और पास में एक लाइब्रेरी भी है और तुम वहाँ पर पढ़ने के लिए जा सकती हो। ये सब सुनकर हैना इमोशनल हो जाती है और फिर वो माइकल से पूछती है, क्या तुम्हारी शादी हो गई? तब माइकल कहता है, हाँ मेरी शादी होकर डिवोर्स भी हो गया और मेरी एक बच्ची भी है। इसके बाद माइकल हैना से पूछता है, क्या तुम्हें उस हादसे के लिए कोई पछतावा है? हैना हाँ कहती है और कहती है, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। माइकल जब भी हैना को कहानी सुनाता था तब उससे पूछता था, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? अब वो हैना से पूछता है, तुमने अपनी लाइफ से क्या सीखा? तब हैना कहती है, मैंने अपनी ज़िंदगी से पढ़ना लिखना सीखा। जब मैं यहाँ पर आई थी तब मैंने पढ़ना लिखना सीखा जो मुझे सीखना चाहिए था। उसके बाद माइकल कहता है, अब मैं अगले हफ्ते आऊँगा और तुम्हें यहाँ से लेकर चलूँगा। इसके बाद हम हैना को देखते हैं जो अपने सेल में आकर अपनी किताबों को बाहर निकालती है और स्टूल पर चढ़कर खुद को फांसी लगा लेती है। अगले हफ्ते माइकल उसे लेने के लिए आता है, तब उसे बताया जाता है हैना ने खुद को फांसी लगा ली है और अब उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर माइकल काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद वार्डन उसे अंदर लेकर जाती है और उसे बताती है, हैना ने आपके लिए एक लेटर छोड़ा है जिसमें लिखा था, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी पैसे कमाए वो इस बॉक्स में है और तुम इस बॉक्स को उस बच्ची को जाकर दे दो जो उस हादसे में बच गई थी। ये सब सुनकर माइकल काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। फिर वो उस बॉक्स को लेकर निकल जाता है। इसके बाद वो उस बच्ची से मिलता है जो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। वो माइकल से पूछती है, तुम दोनों का आखिर रिश्ता क्या था? तब माइकल उसे सब कुछ सच सच बता देता है और रोने लगता है। तब वो कहती है, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? तब माइकल उसे वो बॉक्स दिखाता है और उसे कहता है, हैना ने अपनी ज़िंदगी की कमाई इस बॉक्स में रखी है और उसने ये तुम्हें देने के लिए कहा था। वो लेडी बॉक्स को देखती है, तब उसे याद आ जाता है वो वही बॉक्स है जो कैंप में खो गया था। वो माइकल से कहती है, मैं इस बॉक्स को तो रख लूँगी लेकिन ये पैसे नहीं ले सकती। तब माइकल कहता है, मैं इन पैसों का क्या करूँ? तब वो लेडी कहती है, तुम इन पैसों को किसी यहूदी एनजीओ में डोनेट कर दो। इसके बाद माइकल वहाँ से चला जाता है और फिर एक दिन वो अपनी बेटी को हैना की कब्र पर लेकर जाता है और उसे अपने और हैना के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर उसकी बेटी स्माइल करती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो।